साहब ये कहने लग रहे आज बना रिकॉर्ड आज तोड़ देंगे। क्या बात है, कितने मर चुके भाई? कितने मर चुके? 5300 पूरे कर चुके। कितने रह गए भाई? 5135 का रिकॉर्ड बना था सपाटा का हरियाणा के अंदर। आज की राय गांव के अंदर हम मौजूद हैं। तीन छोरे लग रहे हैं। तीनों आने जो उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। और सूचना के मुताबिक जितने की सूचना हमारे पास आई है, आज फिर इसी सेम डे एक और रिकॉर्ड बना है 7007 का। और वो 7007 का उसका रिकॉर्ड किसी ने ब्रेक किया है उसका हमें पता नहीं है, लेकिन 5135 का जो रिकॉर्ड था ये तोड़ चुके। कितने हो गए मौके पर? 93 भाई। 593 ले भाई, इनके टारगेट बड़े थे। और इनको इतना मजबूत और इतना काबिल बनाने वाले जो कोच है वो हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार कोच साहब, एक बार खड़े हो लीजिए। आप इन्हीं के फ्रेम में आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि आपकी तैयार की हुई फसल है ये। नमस्कार जी। जी अपना शुभ नाम? रणबीर सिंह जी। जी अपने इनका नाम और बता दें। सचिन बड़ा, सचिन छोटा, अंकित। अंकित है। आज ये हरियाणा में सपाटा के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। और आपको भी शुभकामनाएं और बधाइयां, और पूरी आपकी टीम ने भी और आपके स्टूडेंट ने भी। और क्या कुछ कहना चाहोगे आज ये इतने अच्छे मुकाम पर पहुंचे? और पूछने लगे जी, कहना चाहोगे 7000 का बताओ है तो 7000 का तोड़वाऊंगा। तुड़वा दोगे? बिल्कुल तुड़वाऊंगा। क्या बात है, कोच साहब का जो है दम देख लिया है, इनकी पावर देख ली है। इनका भाई ये भी छोड़े गए हैं चेहरे भाई, लेकिन उनको नहीं थकान को नहीं है, थकान तो कौन है कौन जी, थकान सही को ना, बिल्कुल नहीं है। देख लो, देख अभी तो कोई खास बात बक बक हंसना लग रहा है। बता दिया जी, फिर तो मतलब 7:30 बजे लग कंटिन्यू लगे रहना है भाई। आज 7007 का रिकॉर्ड बनाया और कोच साहब ये कहने लग रहे आज बना रिकॉर्ड आज तोड़ देंगे। क्या बात है, कितने मर चुके भाई? कितने मर चुके? 5300 पूरे कर चुके। कितने रह गए? 5500 ये इतनी बड़ी खुरापाती ने कर दी कि भाई 5300 मेरे बैठे, आप तो सूचना दे ही कुनेगा, आप तो 500 नहीं हुआ। फिर बाद में कोच साहब ने नहीं, मैं बार बार 4 बार 5 बार आ लिया इनके पास, यहाँ आ लिया। हाँ, इनके द्वारा आ लिया। अच्छा, आप प्रोफेशनली क्या करते हैं? कुछ नहीं, बस अपना घर का काम है, पशु पशुओं का। एकेडमी वगैरह चलाते हो? नहीं, कोई यही एकेडमी अपने नाम। अच्छा, अपने बड़का ने तैयार करना हो, बस हमने तो यही है सोच रखी है। अच्छा, कुछ सब पूछना चाहूंगा क्योंकि सूचना हमारे पास भी ये कंप्लीट नहीं है। जैसे कि सपाटे मारने का ट्रेंड जो है पूरा हरियाणा में चल पड़ा है, और इनके लिए डाइट की बड़ी अच्छी व्यवस्था होनी जरूरी है। तो के चीज इन्हें खान में होना चाहिए? खान में तो मतलब आजकल तो ये आए पास है, मेरे टाइम में ये था को नहीं, तो प्रोटीन सटेंगे आटंग बटंग घने आ रहे हैं, तो मैं तो इन तुमको नशा से दूर रही हूँ। शरीर में सेहतन की चीज ना खाइयो, बाकी चाहे मन ना खा लियो, कोई दिक्कत को नहीं। ऐसी चीज ना खाइयो, मतलब किसी भाई ने मतलब नू हो वो नशा कर रहा है या मन मतलब दूध दही दूध दही कुछ खाओ, कितना है कुछ काजू बादाम खाओ, अखरोट कुछ भी खाओ। ठीक बात है। तो आज 7007 का रिकॉर्ड आप तुड़वाएंगे? हाँ बिल्कुल तुड़वाऊंगा भाई। गिरा है गांव से जो है बड़ी तस्वीर सामने आओगी आज, आज का बना रिकॉर्ड आज टूट जाएगा। और उनके जो है कोच साहब हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन इतनी जो है शक्ति इनके अंदर दिखने लग रही है। और स्टूडेंट भी ऐसे हैं, इनके ना तो चेहरे पर थकान ना शरीर पर थकान दिखाई देती, और बड़े खुश नजर आने लग रहे कि भाई तो आज बना रिकॉर्ड आज तोड़ के जाओगे। और क्या कुछ जो है एक बार बताऊं कोच साहब, जैसे कि पूरा हरियाणा में नशा पता गुंडा कर दी ये चल रही है, खून खराबे, मतलब ये ज्यादा हरियाणा का नाम बदनाम करने में कई बेकार बात तुल रहे हैं। लेकिन इन जैसे अपने साथी, इन जैसे स्टूडेंट जो है एक दूसरे का इंस्पिरेशन भी बना है। बिल्कुल बिल्कुल है? एक दूसरे करके देखें के करेंगे। हाँ। मतलब भाई रोहतक का निका है, उसने कराया। हाँ। फिर सिंगवा का कराया, धनसुख ने भी कराया है, ईब गिराएंगे लाग रहे करने। आगे की जितनी भी जनरेशन इस फील्ड में आना चाहो है, पहलवानी फील्ड में आना चाहो है, तो आगे की क्या कुछ रूपरेखा आप लेकर चल रहे हैं? भाई आपने तो रूपरेखा यह है, मतलब अपना ग्राउंड पर कोई भी भाई आओ, गुआंड सुड का बोर्ड दूर दराज का अपना रहने का प्रबंध बनाओ, और अपने पास फ्री कोस्ट, कोई पैसा नहीं, किसी प्रकार का किस कुछ भी नहीं, फ्री ऑफ कोस्ट पहलवान तैयार करेंगे। कोच साहब इतने तगड़े एजेंडे लेकर चल रहे हैं कि भाई फ्री ऑफ कोस्ट हमने किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे गांव का नाम रोशन करने के लिए पहलवान तैयार हो जाओ। हाँ, बिल्कुल जी। अच्छा, इससे पहले कि ये कोई रिकॉर्ड किसी पहलवान ने बनाया था इस गांव का? हमारे गांव मतलब मेरे पहलवान है। अच्छा। बहुत घने पहलवान है, स्वीटी बुरा भी हमारे गांव की है। अच्छा। निर्मला बुरा भी है जी। हाँ, नवीन बॉक्सर है जो मतलब फिलहाल कंटिन्यू चल रही है, बिल्कुल प्रेजेंट में। कितने मरे है भाई? 5300 भाई।
आपने बताया इसका जिंदा ज्यादा जागदा सबूत है, यो इस साइड कैमरा लग रहा है, भाई अमित जो है गिराए से ही है, लगातार ये सबूत बनान लग रहे हैं कि भाई झूठ ना बोल दे, कोई नू नहीं कह दे भाई तो झूठ बोल रहा है। लाइव चल रहा है सुबह 6 बजे का, क्या कितना टाइम है भाई लाइव चल देने भाई? यो जद मतलब 6:10 पे 11-12 पे मारन लगे थे। हाँ। जब तक लगातार लाइव है, बीच में जितने इनकी मारे है, इनकी एक्टिविटी जो भी करी है, पानी पिया है या इतनी मौसमी की फाड़ी खाई है, एक दो हर एक्टिविटी यार एक एक डिप्स लाइव पे गिना सका, जो कोई भाई नू कह दे अब ऊपर नीचे मारी है तो लाइव चला। चैनल चेक कर लो, टाइम स्टार्ट नाउ यूट्यूब चैनल पे फिलहाल लाइव चलने लग रहे हैं, और आप इनके सपाटे गिन सको किसी पंचायत में अगर किसी ने कोई शक हो तो। और भाई आज 7,000 का ब्रेक कर देंगे भाई, देखो इनके चेहरे तो तेनू लगे क्योंकि आपने सिंगवा भी कवर किया था, तो उरे यो इसी देख लियो, इसके नुए को लगता भी थी मैर दी गए 5300। सवेरे उठने से पहला खबर आले है, सवेरे उठने से पहला खबर आले है कि फलाना गांव में सपाटे चल रहे हैं, चाहे तो कोई बात है 5300। हां भाई नमस्कार भाई। नमस्कार भाई जी, किस पोस्ट पर काम करूं भाई? मैं ठेकेदारी करूं। खरीदारी? ठेकेदारी। ठेकेदारी किस चीज की? ग्लोब टाइल्स की, अपनी गलियां का काम कर रहा हूं। अच्छा आप तो प्रमोशन कर, अच्छा सहयोग मारे हो गए? बिल्कुल सहयोग मारे, गुरुजी मारे। अच्छा आप भी परवाह नहीं कर चुके हो? हां इन कतल कर रहा हूं, इनसे पहले टीम वाले में यही था। अरे वाह जी वाह, मैं 2013 में ग्रेजुएट स्टार टीम थी नहीं, कुलदीप था, सुभाष था, अमरजीत था, सारे ने तैयार करोड़े थे। अच्छा उससे पहले खुद स्टार थे। अच्छा। उसके बाद मामे आगे नाटी आगे दौड़ा, वही मामले इन तैयार करे। अच्छा। ये भी चौथी तैयार करने लग रहे हैं। अच्छा। कंटिन्यू और फ्री कोस्ट, पूरा सपोर्ट है। हाँ, पूरा सपोर्ट ना उस टीम ने कभी बाल कराया, टीके इंजेक्शन लगाए ना, मामने कभी लगाए ना, इस टीम तक मना कर रखा है। अच्छा। खाओ पियो मस्त रहो, बढ़िया खेलो, मतलब जो जैन अपने की दूध में है गणाए किसी के नु हो तो भाई काजू बादाम खा लो, और वो तरीके 2013 की टीम तैयार करी, 18 ही तैयार करी भी लग रहे हैं, कंटिन्यू प्रैक्टिस करने। अच्छा, इस दौरान आपकी पहलवानी के दौरान अगर आपको कोई इंजरी वगैरह हुई तो हुई थी या कोई? मेरे तो इंजरी बहुत ज्यादा हुई थी। हुई थी। हाँ। तो इन चीजों से बचने के कुछ उपाय जो है जनता आपने देखने लग रही है? भाई सबसे ज्यादा इसमें के दिक्कत है, स्टेरॉइड जो लेवानी मेडिसिन, उससे सबसे ज्यादा इंजरी होगा। सबसे ज्यादा इंजरी जो स्टेरॉइड कोई भी लेवानी, बॉडी टाइट हो जाए और टूटे टूटे है, और जो इंजेक्शन लगे अभी खेल ग्राउंड में उस टाइम पता नहीं चलता चोट का, उस टाइम कंटिन्यू खेले जावा जो इंजरी बहुत बढ़ जावा है। मतलब स्टेरॉइड जितना दूर रहोगे खेलोगे डाइट लोगे कोई इंजरी नहीं होगी भाई। हमारा कुलदीप पहलवान था जो कबड्डी स्टार था कैचर, उसे कभी आज तक कोई इंजरी नहीं हुई। बलिंदर है, कोई इंजरी नहीं हुई कभी भी। अमरजीत की थोड़ी डिस्क में प्रॉब्लम हो गई थी, सुभाष की इंजरी नहीं हुई, करमबीर की इंजरी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? कभी स्ट्राइड नहीं लिया भाई। शुभ नाम भाई अपना? भाई मेरा विक्की है। विक्की, विक्की ने बहुत अच्छी बात बताई है कि पहलवानों को इंजरी नहीं होगी जब तक आप इन गलत चीजों का साथ छोड़ दियो भाई। सीधी सी बात यह है कि भाई जो इंजेक्शन वगैरह ले हुआ है, मेडिसिन ले हुआ है, खाम खाके फालतू की जो नहीं सोचे भाई, एक मेडल खेतर, एक खाम खाएगी एक संतुष्टि खेतर, लेकिन जेनुइनिटी उसी चीज में है, आप नेचुरल खेलो। और भाई मारे गांव की बात फेमस है। हाँ। जो पहलवान तला चलो प्रैक्टिस करना आ गया नहीं। हाँ। चलो बाज जाएगा। हाँ। और जब प्लेयर बन जाएगा, 20 प्लेयर आ गए तो 5 से डटा किस दौर है, 15 बाज जाएंगे, इतनी हार्ड मेहनत कराओगे। चलो कोई कम से कम गुआंडा के कई बार कह लिए, 2 दिन आवर बिक जाए, 4 दिन आवर बिक जाए, माँ भाई कंटिन्यू रहना पड़ेगा। देखो प्लेयर तो बनना है तो मारे दौरे तो मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, नू कोनी गफलत कोनी अड़े। हाँ नू सूट शर्ट तारिया करूँ मतलब सीधी बात। जैसे कि देखने लग रहे हैं पहलवानी फील्ड में काफी जो है बातें निकल का हुआ है कि पीछे से कुछ विरोध हुआ था, कुछ धरने भी लग गए, तो आप पहलवानी में भविष्य कैसा देख रहे हो बच्चे? भाई पहलवानी में देखो ये फिलहाल तो भविष्य अच्छा है। अच्छा। हाँ हमारे टाइम में इतना कौन था, बाकी मतलब अच्छा स्कोप है, बढ़िया है काम, मतलब पैसे पैसे ठीक मिल जाए, बालक का रोजगार चल जाए, ऐसी बात नहीं है। तो मतलब फिलहाल अगर जो कोई पहलवान कंटिन्यूटी के साथ लगातार मेहनत करता रहो है तो उसका भविष्य है? भविष्य है भाई, बिल्कुल है, इसमें कोई जो भी मिल जाए दे सरकार, बढ़िया प्लेयर ना तो सरकार भी दे है। बिल्कुल इसी बात तो कोने नू जमा तो कोने करते, बाकी ठीक है जमा तो सरदा पे सरदा बालक ने तो कि मैं कौन करा, बढ़िया बालकों का उसने तो रोजगार मिला है। कोच साहब जैसे कि हमने सिंगवा में देखा था एक छोटा 16 साल का जो है लड़का ने वो रिकॉर्ड ब्रेक कराया था। हाँ। और अपने जो है पहलवान आज लग रहे हैं और रिकॉर्ड तो पिछले ब्रेक कर चुके हैं। हाँ, क्योंकि आज बना था वो तो कैमरा नहीं बना, देखो कितना बना है ना बना है वो तो अभी तक। हाँ 7,007 का हुआ आज का रिकॉर्ड आज बने हैं, तो अभी तक कितना कुछ मान सम्मान जो है हो चुके हैं? मान सम्मान में लगा 25-30 हज़ार रुपये आ गया हूँ। तो इतना ये जरूरी है भाई, क्योंकि एक पहलवान को तैयार होने में इतना खर्चा आता है, आम परिवार से नॉर्मल घरों के जो पहलवान होते हैं उस खर्चे को उठाने में थोड़े कम सक्षम हो पाते कई बार, लेकिन जरूरी है आप लोगों के सपोर्ट का
कुछ मान सम्मान पहलवानों का भी जरूरी है। मतलब हर एक आदमी ने आके ने सपोर्ट करो, बिल्कुल मान सम्मान करो इन बच्चों का, क्यों इनको मतलब आके थोड़ा मोटा खान पीन का काम हौसला भी मिलेगा और भी बच्चे आओगे फिर फील्ड में। आज गिरायकन करा तड़के सुखने का करा दानसोगा करेगा और लाइन लग रही है। हम सबेरे उठते को नहीं ऑफिस में सबेरे उठा ना जाए करना है की उठने से पहले मैसेज आया पाओ आज फलाना काम में चल रहा है बोले सारी रात हो गई सुबह प्रक्रिया यार इसके बाद काम में मनोबल बढ़ेगा। ये भाई करा कल तीन और करेंगे कल चार और करेंगे हर गांव में ट्रेंड तो अच्छा हो नशा दूर जाओगे। मैं तो कहूँ भाई कबड्डी खेल लो ना खेल लो प्रैक्टिस करो लेकिन नशा ना करो। चल प्लेयर किस्मत में है अलग काम करा लेकिन वो तो जिंदगी तो खराब नहीं होगी, खराब को नहीं होगी। माँ बाप का नाम रोशन तो जुड़े रहेंगे तो भाई नशा तो दूर रहो बालक कोई भी होता है दूर रहोगे रेडवा बैठे हैं गाड़ियां बैठे हैं मतलब इनका पंडा छूट जाएगा ग्राउंड पे। एक तो मतलब पांच बजे इनका इतनी लत लग गई इतने बाल मेरे तो जितने बालक 25 बालक आओ हैं 25 बालक मतलब 5 बजे को देंगे 4:30 बजे ग्राउंड पाए जाए ग्राउंड पाए जाए। फिर दूसरी बात है चर्चा चुगली सारी चीजें दूर हो जाए। अकेडमी स्टार्ट करी आपने 40 बच्चे थे अपने कोच साहब ने तो 20 बच्चे बच रहे क्यों इनकी प्रैक्टिस नहीं हार्ड है जो इनके तला कर गया प्लेयर बन जाएगा और जो नहीं करा वो चले जाओ 10 ही दिन में। बिल्कुल बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाइयां देना चाहूंगा कोच साहब को क्योंकि आज इन्हें के तैयार किए हुए पौधे फिलहाल फल देने लग रहे हैं क्योंकि छोटी बात नहीं है हरियाणा में बने रिकॉर्ड को ब्रेक करना। बड़े लेवल पे भी जाएंगे हम आशा करते हैं उम्मीद करते हैं ये साथी ये पहलवान साथी जो बड़े लेवल पे जाकर के हमारे देश प्रदेश का नाम रोशन करें। चलो भाई मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए विषय के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत सत्यमेव जयते। कैमरामैन रोहित दलाल के साथ में आपका अजय लोहारी वाला।